प्यारे बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी पाठशाला है जहां आप कुछ नया सीखते हैं, नया जानते हैं और कुछ नया करते हैं। आज की पाठशाला में हम एक बहुत ही अच्छी कहानी जानने वाले हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो जीवन भर आपके काम आएगी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी है सूरदास की। सूरदास देख नहीं सकते थे, पर वो 14वीं सदी के एक संत, कवि और संगीतकार थे जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित अपने भक्ति गीतों के लिए जाने जाते थे। युवावस्था में सूरदास आध्यात्मिकता सीखना चाहते थे, इसलिए वे अपने गुरु के पास गए और उनसे अनुरोध किया, गुरुजी कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। गुरु को पता चला कि सूरदास के पास बहुत से गुण हैं, लेकिन क्रोध उस पर जल्द ही हावी हो जाता है जो उसे सीखने से रोकता है। गुरु ने ये बात समझ ली और उन्होंने उसका क्रोध निकालने के लिए सबसे पहले युवा सूरदास की मदद करने का फैसला किया। गुरु ने सूरदास से कहा, तुम एक महीने तक सभी गतिविधियों को करते हुए भगवान के नाम का जाप करो और फिर मुझसे मिलो। युवा सूरदास अध्यात्म सीखने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन उसने उन निर्देशों का पालन किया और हर काम करते हुए भगवान के नाम का जाप करता रहा। इस तरह एक महीना बीत गया और उसके अगले दिन वो अपने गुरु से मिलने निकला। गुरु के आश्रम की ओर जाते समय एक सफाई कर्मी गली की सफाई कर रहा था, और जब सूरदास उनके पास पहुंचा तो सफाई कर्मी की लापरवाही से सूरदास के कपड़ों पर गंदगी आ गई। सूरदास को क्रोध आ गया और उसने क्रोधित होकर सफाई कर्मी को डांटते हुए कहा, तुझे दिखाई नहीं देता? जब कोई पास से गुजर रहा हो तो थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए। आज तेरी वजह से मेरे वस्त्र मैले हो गए और मेरा वक्त भी बर्बाद हो गया। ये कहकर सूरदास घर वापस चले गया और कपड़े बदल कर फिर से अपने गुरु से मिलने चल पड़ा। जब वो अपने गुरु से मिला तो गुरु ने उससे कहा, सूरदास तुम अभी शिक्षा के लिए तैयार नहीं हो, तुम अभी अपना जप जारी रखो और एक महीने बाद फिर मुझसे आकर मिलो। सूरदास ने निर्देशों का पालन किया और एक महीने बाद जब वो फिर से अपने गुरु के घर जा रहा था तो फिर से वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। फिर से उस सफाई कर्मी ने गलती से गंदगी सूरदास के कपड़ों पर उछाल दी। इस बार सूरदास का क्रोध सातवें आसमान पर था और क्रोध में इस बार भी उसने उस सफाई कर्मी को खूब डांटा। तुझे दिखाई नहीं देता कि कोई रास्ते से गुजर रहा है? अंधा हो गया है क्या? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, अब मुझे फिर से घर जाकर कपड़े बदलने पड़ेंगे। क्रोध में सूरदास घर वापस चला गया। घर पहुंचकर कपड़े बदले, फिर अपने गुरु से मिलने वो घर से निकला। जैसे ही सूरदास अपने गुरु से मिला, इस बार भी गुरुजी ने वही कहा, सूरदास तुम अभी शिक्षा के लिए तैयार नहीं हो, तुम अभी अपना जप जारी रखो और एक महीने बाद फिर मुझसे आकर मिलो। सूरदास गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए वहां से चल पड़ा। हर दिन सूरदास हर गतिविधि के साथ भगवान के नाम का जाप करता रहा और देखते ही देखते एक महीना और बीत गया। सूरदास फिर से तैयार होकर गुरुजी से मिलने अपने घर से निकला। रास्ते में वही सफाई कर्मी उसे फिर से मिला और वही घटना फिर से उसके साथ रास्ते में हुई। हालांकि इस बार सूरदास नाराज नहीं हुआ, इसके बजाय उसने सफाई कर्मी को धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद, आपने मेरे गुस्से को दूर करने में मेरी मदद की है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर सूरदास सफाई कर्मी के सामने हाथ जोड़कर गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। इस बार जब सूरदास अपने गुरु के पास पहुंचा तो सूरदास ने गुरु को आश्रम के सामने खड़े हुए देखा। गुरुजी ने सूरदास से कहा, अब तुम सीखने के लिए तैयार हो और मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। और इस घटना के बाद सूरदास ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की। बच्चों, एक गुरु जानता है कि एक छात्र में क्या कमी है और वो उन तरीकों को जानता है जो उसे सिखाएंगे। एक छात्र के रूप में आपको गुरु के वचनों में विश्वास रखना चाहिए और भक्ति के साथ उनका पालन करना चाहिए। हम हर स्थिति को अपने दोषों को महसूस करने और दूर करने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। ये केवल भगवान के नाम जप की शक्ति के कारण ही संभव है।
तो बच्चों, ये थी आज की सीख। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी से मिली सीख का अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सोनालिका ई गुरुकुल के अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। बाय।